नमस्कार, मेरा नाम है सुधीरा चौधराइन और आज मैं एक बेहद ख़ास मौके पर आपसे मिलने आई हूँ। दरअसल दो दिन पहले मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरकार ने, जो इतने दिनों से बिजली कटौती कर रही है, उस दिन भी बिजली कटौती कर दी, जिस वजह से सबको मोमबत्तियाँ जलानी पड़ी और मेरा जन्मदिन मनाना पड़ा। इसके लिए हम सरकार के बेहद शुक्रगुजार हैं। एक और बेहद दिलचस्प बात यह है कि एक दिन बाद यानी 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन हुआ, यानी कि 18 जून को हम आए और फिर राहुल गांधी ऑपोजिशन बनकर 19 जून को इस दुनिया में आए। और एक और खुशी की बात यह है कि वोटों के मामले में भले ही राहुल जी मोदी जी से पीछे हों, लेकिन जन्म के मामले में राहुल जी हमसे भी पीछे रह गए। आज हम आपके आगे आए हैं बिजली और पानी की समस्या पर बात करने। पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पर देश की राजधानी के लोगों ने बिजली और पानी की समस्या पर हाहाकार मचा रखा है। बिजली जाने के कई सारे फायदे हैं। पहला तो मैं आपको कुछ देर पहले ही गिना चुकी हूँ कि मेरा जन्मदिन मन जाता है, इसी बहाने आप लोग मोमबत्तियाँ जला देते हैं। दूसरा फायदा देखिए ये है कि जब ऑफिस में बिजली चली जाती है तो हम लोगों को काम नहीं करना पड़ता है और हमारे हिस्से का काम मोदी जी 18-18 घंटे कर ही रहे हैं, तो हम लोग काम करें भी क्यों। तीसरा फायदा है कि जब बिजली चली जाती है तो बिजली बिल भी नहीं आता है। अब जब बिजली ही नहीं रहेगी तो बिजली का बिल कैसे आएगा, तो दिल्ली वासियों में बिजली बिल को लेकर काफ़ी राहत है बिजली के चले जाने से। दरअसल हमारे देश में इलेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गहरा नाता है। जब इलेक्शन आने वाले थे तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती थी, लेकिन अब जब इलेक्शन ही नहीं रहा तो इलेक्ट्रिसिटी देकर क्या फ़ायदा। जो सरकार पावर में बने रहना चाहती है वो पावर कट नहीं कर सकती। अब हम लोग बादल बरसा बिजुरी से सावन के पानी के मुद्दे पर आते हैं। जी हाँ, पानी का मुद्दा दिल्ली में बेहद गंभीर हो चुका है और लोग इसे एक समस्या मान रहे हैं, तो हम आपके लिए समस्या भी हल कर देते हैं। पानी, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर और केमिस्ट्री में कहें तो H2O की समस्या दिल्ली में H से O तक बनी हुई है, यानी हौस खास से ओखला तक बनी हुई है। लेकिन यदि दिल्ली वासी ध्यान दें तो ये एक वरदान है, जिसे अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिसगाइज आप कह सकते हैं, क्योंकि जब से पानी की समस्या है, मेरे घर पर जो दूध वाला दूध ला रहा है वो भी शुद्ध है, उसमें मिलाने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि गाय तो दूध दे रही है लेकिन जल बोर्ड पानी नहीं दे रहा है, तो मेरे घर पर आने वाला दूध ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा टेस्टी हो गया है। दूसरी बात ये कि जब पानी कम है तो जाहिर सी बात है कि करण थापड़ के शो पर भी पानी कम होगा, तो प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी के लिए पानी नहीं बचेगा और इस वजह से दोस्ती नहीं बनी रहेगी, क्योंकि करण थापर और मोदी जी के बीच की दोस्ती हमारे और आपके और उनके सब के लिए बेहद खतरनाक है, तो हम भी यही चाहेंगे कि वो दोस्ती ना बनी रहे। इस वजह से पानी का ना होना यहाँ पर ब्लेसिंग इन डिसगाइज ही है। हमें तो लगता है कि पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि करण थापर क्या, करण जौहर तक के शो पर कॉफ़ी विद करण तक में उनकी कॉफ़ी में पानी नहीं होता होगा, उन लोगों को कोकेन माफ़ कीजिएगा कॉफ़ी पाउडर फाँक कर काम चलाना पड़ रहा होगा। पानी की गहराई समस्या को देखते हुए मोदी जी समस्या के लिए तपस्या करने तक चले गए, लेकिन यदि उनकी तपस्या से ये समस्या हल नहीं होती है तो भी उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो कह देंगे कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। तो आज हमने आपके साथ बादल बरसा बिजुरी सावन के पानी तक की समस्या पर चर्चा की। अगली समस्या है रेल की समस्या, जिस पर हमसे चर्चा करने आज हमारी सहयोगी स्वीटा सिंह यहाँ पर मौजूद है। धन्यवाद सुधीरा बहन, और आज मैं स्वीटा सिंह आपके सामने आ गई हूँ। स्वीटा इसलिए क्योंकि मैं स्वीट स्वीट सिंगिंग करती हूँ, और सिंग इसीलिए क्योंकि मैं सिंगिंग करती हूँ, सरकार के स्वीट स्वीट कारनामों की स्वीट स्वीट सिंगिंग करती हूँ। और दो दिन पहले सुधीरा बहन का क्योंकि जन्मदिन था, तो मैं आज सोच रही हूँ कि थोड़ी सिंगिंग उनके लिए भी हो जाए, तो मैं अपनी एक सिंगिंग क्लिप छोटी सी आपके साथ
साझा करना चाहती हूँ। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। आज इस सिंगिंग के बाद हम बात करेंगे बेहद जरूरी मुद्दों पर। दरअसल बहन सुधीरा ने मुझसे कहा था कि बात करनी चाहिए एनटीए और पेपर लीक्स पर। एनटीए जो कि नेशनल टैम्परिंग एजेंसी है, पेपर से टैम्परिंग करती रहती है, उस पर बात करना मैंने सोचा फजूल है, क्योंकि एनटीए टेस्ट लेती है और अब जमाना आ गया है T20 का, तो टेस्ट का हमारी जिंदगी में क्या काम। तो आज मैं इसीलिए बात करने वाली हूँ रेल पर, और रेल पर बात करते ही याद आते हैं रेल मिनिस्टर, जिन्हें कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फेल मिनिस्टर हो गए हैं क्योंकि वो इतनी सारी दुर्घटनाएं रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में तो वो एक बेहद क्यूट और करुणामयी इंसान है। आप देखिए कि किस तरह से वो आंसू बहा रहे हैं। वो इस पानी के संकट में दिल्ली में जो वाटर स्कार्सिटी चल रही है उसमें आंख से पानी छोड़ रहे हैं, इतनी करुणा है उनके अंदर। यहाँ देखिए किस तरह से वो रील बना रहे हैं, लोग उन्हें रील मिनिस्टर कह रहे हैं रेल मिनिस्टर नहीं है, रील मिनिस्टर है। हमें लगता है उनके अंदर इतनी करुणा और इतना दया भाव है कि वो रील मिनिस्टर नहीं, वो फील मिनिस्टर है। उनके अंदर की आप फीलिंग्स देखिए जो उनकी आंखों से बाहर आ रही हैं। इतने क्यूट मिनिस्टर्स बीजेपी के अलावा और किस पार्टी में हो सकते हैं। दरअसल हमें तो ये तक लगता है कि हमारे रेल मिनिस्टर की करुणामयी करुणा वाली एक्टिंग के सामने अरुणा वाली एक्टिंग भी बिल्कुल फेल है। राजू बेटा उठ, उठ राजू, उठ, उठ राजू, उठ, उठ, सुनता क्यों नहीं? जनता तो ये तक डिमांड करने लग गई है कि अश्विनी वैष्णव जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। हमें लगता है कि यदि मोदी जी ने उन्हें रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री बनाया है, तो त्याग पत्र जनता कैसे मांग सकती है। उन्हें तो त्याग पत्र नहीं, ताम्र पत्र में नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए अपनी इस करुणामयी एक्टिंग के लिए। हम लोगों को जनता की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा चिंता है। अब जनता तो ये तक कह रही है कि एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि लोको पायलट्स 9-9 घंटे ट्रेन चलाते हैं। अब 9-9 घंटे ट्रेन चलाएंगे तो थक जाएंगे और एक्सीडेंट्स तो होंगे ही। अगर रेलवे में जो 3,00,000 पोस्ट खाली हैं उन पर भर्ती कर दी जाए तो शायद ये एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन जनता की ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोदी जी 75 साल की उम्र में भी 18-18 घंटे जब काम कर सकते हैं, तो ये लोको पायलट्स उनसे आधा यानी 9 घंटे काम कर जाए तो कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। अगर हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जनता की बात मानने लग जाएं, तो शायद हमें ये भी मानना पड़ जाएगा कि रेलवे की बदहाली का कारण बहाली ना होना है, क्योंकि बहाली नहीं हो रही है इसीलिए रेलवे की बदहाली हो रही है। खैर, जाते जाते हम सुधीरा जी को फिर से एक बार जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आज के इस बुलेटिन को आप लोग फेक न्यूज़ नहीं केक न्यूज़ समझिए। धन्यवाद।